अचार खाना सबको बहुत पसंद होता है। मेरे घर में सबको अचार खाना बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को। तो आज मैं बना रही हूँ उसकी पसंद का एक जल्दी बनने वाला आम का अचार, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और आप उसे चपाती, परांठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है टमी वर्ल्ड में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से बनने वाला अचार। मेरे पास हैं ये दो कच्चे आम, मैंने इनको छील लिया है और एक ग्रेटर से घिस लिया है, इसके ऐसे लच्छे बना दिए हैं। एक पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने 1/4 चम्मच मेथी के दाने हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा है, 1 छोटी चम्मच राई है और 1.5 छोटी चम्मच सौंफ है। इसको मैं फ्यू सेकंड्स के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मीडियम गैस पे, जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अब देखिए ये हो चुका है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसको एक ग्राइंडर में पीस लेंगे और एक इसका दानेदार पाउडर बना देंगे। अब हमने जो लच्छे बनाए थे आमी के, उसके में हमने मसाले ऐड कर देंगे, जो है हमारे 1/4 चम्मच हल्दी है, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1/4 चम्मच हींग है और 1/2 चम्मच नमक है। आप ये मसाले अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप सरसों का तेल लिया है, जो कि मैंने एकदम गर्म कर लिया है, और जिस जैसे इसमें धुआं उठने लगे उसके बाद आप इसमें अपना जो आम का जो ग्रेटेड मिक्सचर है वो इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाला है, थोड़े से कलर के लिए ऑप्शनल है, और जो हमारा हमने दानेदार मसाला पीसा था वो हमने इसमें मिला दिया है और इन सबको मिक्स कर दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक आपको बस पकाना है मीडियम गैस पे। बस अब ये अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, जब तक कि ये ऑयल अलग ना छोड़ दे बस हमें तब तक ही इसे पकाना है। आप देखिए तेल अलग आने लगा है, इसका मतलब हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, कितने भी लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बना है अचार और बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और ये अचार ज़रूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।